अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये हमारा मिसाइल है सर। वो गाड़ी आगे रखना थी, पीछे पीछे ले जाएंगे। टीबी रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर में टीबी के जीवाणु कहाँ बढ़ रहे हैं। टीबी बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों, फुफ्फुसों से दिवस है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी सर, जागरूकता अभियान के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। जैसा सर ने बताया, अभी नुक्कड़ नाटक होंगे, रैली निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहा है। और नुक्कड़ नाटक में और दूसरी जो गतिविधियां जैसे कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाके हम लोग अवेयर करेंगे, खासतौर से स्टूडेंट्स को जिनको इसके बारे में नहीं मालूम रहता है, वो कर रहे हैं। हम लोगों ने रंगोली प्रेजेंटेशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन, ये सब रखे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को समझाएंगे। महिलाएं जो संक्रमित पाई जाती है उनका उपचार कैसे किया जाता है? महिलाओं और उसमें दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता, सिर्फ महिलाएं अगर गर्भवती होती हैं तो उनको बिल्कुल जैसे ही पता लगता है उसी दिन से हम इनको दवाइयां देना चालू करते हैं। मैडम, पेशेंट को लेकर आप एड्स अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश ये है कि ये बीमारी ऐसी है कि इसे सिर्फ अगर समय से उपचार लेते रहें और जीवन भर उपचार लेते रहें, बिना किसी दवा बिना छोड़े ये अगर नियम से उपचार लेते रहें तो व्यक्ति बहुत ही सामान्य जीवन जी सकता है। मतलब इतना सामान्य रहता है कि वो कई बार उसको भी ये नहीं महसूस होगा कि वो दूसरे लोगों से अलग है। सिर्फ उसको सोते समय एक गोली खानी है, और कुछ लोगों को जब नहीं करते हैं उनको फिर जैसा सर ने बताया इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में फिर दूसरे इन्फेक्शन ना हो, अगर हो जाते हैं तो हमें उसके लिए फिर हमको दूसरी दवाइयाँ शुरू करना पड़ती हैं, नहीं तो सिर्फ एक गोली से पूरे जीवन भर काम चल सकता है। ठीक है, मैं आपका नाम बता दूं। मैं डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर, एआरटी सेंटर देवास। आज विश्व एड्स दिवस है, किस प्रकार के क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? आज विश्व एड्स दिवस है। आज के दिन हम लोग ये पखवाड़ा मनाएंगे 1 से 15 तारीख तक। इसमें हम विशेष रूप से रैली निकालेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
तो ये जन जागरूकता अभियान 15 दिन का पखवाड़ा चलेगा। ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ये 1 से 15 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। मैडम अस्पताल में आज कुछ और भी गतिविधियाँ की गई हैं इसी को लेकर? इससे लेकर आज रैली निकाली जा रही है और हमारे यहाँ रंगोली भी बनाई है, बच्चों में बड़ा उत्साह है और ये जन जागरूकता के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है। मैडम विश्व एड्स दिवस बनाते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? विश्व एड्स दिवस तो 91 से मनाया जा रहा है और लोगों में ये जागरूकता है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है और ये इस मरीज को समाज में विशेष स्थान मिलना चाहिए। मैडम शहर के साथ साथ क्या संपूर्ण जिले में भी विश्व एड्स दिवस की जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है? पूरे जिले में विश्व जागरूकता अभियान, ये एड्स जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। ठीक है, आज विश्व एड्स दिवस है, किस प्रकार के बचाव देखने को मिलते हैं? आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है हमारे यहाँ 1 दिसंबर, जो हर साल हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो जन जागरूकता है, तो जन जागरूकता के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि किन लक्षणों के आते हमको दिखाना है और कब जाकर हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है और क्या इन्वेस्टिगेशन इतना कॉन्फिडेंशियल रहता है कि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, इसके बारे में हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और इसके लिए हमारा रैली निकल रही है, साथ में हम नुक्कड़ कार्यक्रम भी कर रहे हैं और कुछ पोस्टर बैनर जिस तरीके से रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि के द्वारा हम उनको ये बता रहे हैं कि इसको जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं समाज में कि भाई छुआछूत से होता है या किसी के साथ खाना खाने से होता है या भोजन शेयर करना या फिर कपड़े शेयर करने से होता है, तो ये सब भ्रांतियों को दूर करने का हमारा उद्देश्य है और ये जागरूकता काफ़ी वर्षों से हम फैला रहे हैं और इससे हमें काफ़ी सफलता मिली। कई लोग अपने आप से आकर ICTC सेंटर्स जो बने हुए हैं हमारे वहाँ के चेक भी कराते हैं और अब देवास में ARV सेंटर भी बना हुआ है जिससे हम उनको पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। कई लोग पहले इंदौर से लेते थे तो उन लोगों को अब ट्रांसफ़र कर लिया गया है और यहाँ से भरपूर मात्रा में उनको जो जो दवाइयों की आवश्यकता होती है प्राप्त। सर कितने मरीज यहाँ पर संभवतः हैं अभी? मोर देन 500 पेशेंट अभी तक हो चुके हैं हमारे और भी पेशेंट आ रहे हैं। देवास के काफ़ी पेशेंट अभी इंदौर से ले रहे थे तो जिन जिन को जानकारी मिलती जा रही है वो यहाँ शिफ्ट हो गए। किस प्रकार से इनका उपचार किया जाता है सर? कैसे इन लोगों को जीवन भर दवाएं लेनी होती हैं क्योंकि इसमें जो अपनी रक्षात्मक प्रणाली होती है, इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, वो वीक होता है HIV में, तो उसको वीक ना करके हम ऐसी दवाएं देते हैं जिससे वो वीक ना हो और अन्य बीमारी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो उनसे बचे रहें। सर आज विश्व एड्स दिवस है, क्या क्या किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 1 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स की जागरूकता के लिए हम इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो आज की तारीख में हम लोग एक वृहद रैली निकाल रहे हैं। करीब 500-600 लोगों की रैली है हमारी, पूरे देवास में भ्रमण करेगी वो और जन जागरूकता करेगी एड्स के बारे में, पूरा सबको जागरूक करेगी कि कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इसको कोई संभावित लक्षण है तो उसके बारे में बता सकते हैं। सर एड्स को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती है, मरीज किस प्रकार से इसको लेकर जागरूक रहे? मरीज आज की तारीख में इतना जागरूक हो गया है कि हमारे यहाँ अपने आप ही पेशेंट्स हमारा ICTC में जांच कराने आते हैं, तो हम उनको पूरी काउंसलिंग करते हैं, पूरी टेस्टिंग करते हैं और फिर उनको रिजल्ट बताते हैं, तो अपने आप ही पेशेंट आने लगा है जिसको संभावित लगता है, या फिर हम लोग गर्भवती माताओं का सभी का हम ये टेस्ट करते हैं जिससे हमको ये सुविधा मिली। दूसरे अब हमारे यहाँ पहले हम लोग इंदौर भेजते थे सब ARV के लिए, अब हमने यहीं पर सारी सुविधाएँ, हमारी ARV सेंटर खुल गया है, डॉक्टर BR शुक्ला उसके इंचार्ज हैं और हमारे CMHO मैडम ने बहुत अच्छे मार्गदर्शन में हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और ARV सेंटर से जो पहले सब मरीजों को इंदौर दवाई लेने जाना पड़ता था क्योंकि दवाई इसमें ज़िंदगी भर खानी है, दवाई लेने जाना पड़ता था, तो वहाँ से अब आजकल सब यहीं पे हम लोग इसकी व्यवस्था हो गई है। सर अस्पताल में किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं? अस्पताल में आज हमने रंगोली प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, रैली है और शाम को कैंडल मार्च है, दोपहर बाद हमारा नुक्कड़ नाटक है,
और पूरे 1 से 15 तारीख तक हर ब्लॉक में हमारे यहाँ कार्यक्रम रहेंगे एड्स को जागरूकता को लेकर। इसके अलावा सर, ये विश्व एड्स दिवस बनाते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? हम लोग यहाँ पे विगत 25 वर्षों से विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं। 2000 के बाद से लगातार हम लोग इसको मना रहे हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा, एड्स नोडल ऑफिसर।